हाय एवरीवन, मैं शांति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल कुक विद एसएस में। आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। साथ ही अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम खा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस हेल्दी रेसिपी को। मगर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अब सबसे पहले हम एक पैन को गरम करके इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाने पर डालेंगे इसमें राई और इसे चटकने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग और कड़ी पत्ता। अब इसमें हम 1 चम्मच किसा हुआ अदरक डालेंगे और इसे भी थोड़ा चला लेंगे हम। अब इसमें डालेंगे हम प्याज और इसे हम चला लेंगे। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है बारीक कटा हुआ बीन्स, गाजर, मटर, शिमला मिर्च और इन्हें हम चला लेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ टमाटर और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और इन सबको अच्छे से एक बार मिला लेंगे और थोड़ी देर मसाले को पकने देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 कप दलिया लिया है। दलिया को 1 से 2 बार पहले धो लीजिए और अब हम इसमें दलिया को ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। दलिया को हम इसी तरह से चलाकर पहले भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए और अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। 1 कप दलिया के लिए हम 2 कप गर्म पानी यूज करेंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें एक बॉयल आने तक का वेट करेंगे। बॉयल आ जाने पर हम इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। एक बार दलिया को हम मिक्स कर लेंगे। हमारा दलिया उपमा बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, जब आप इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ेंगे तो इसे बीच बीच में चलाना ना भूलें। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा दलिया उपमा और अब बारी है इसे गर्मा गर्म सर्व करने की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।